आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि वाटर इज फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। हमने 3 मीटर हाइट तक इसमें पानी भर दिया सिलेंड्रिकल कंटेनर में। द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑर्फिस, जो ये ऑर्फिस हमें दे रखा है इसका और जो ये बीकर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उन दोनों का रेशियो हमें दे रखा है 0.1। सो लेट्स से कि इसका हमारा एरिया है A1 और इस वाले का एरिया है हमारा A2। तो हमें दे रखा है एरिया ऑफ ऑर्फिस का रेशियो, एरिया वो बीकर के साथ में, तो इसको लिखेंगे A1। ये हमें दे रखा है 0.1। हमसे क्या पूछा गया है, द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ऑर्फिसेस। लेट अस से यहाँ पे जो स्पीड आ रही है बाहर वो हो जाएगी हमारी V2, और जिस लेयर, ये वाली लेयर जिस स्पीड से नीचे जा रही है लेट अस से V1। अब हो क्या रहा है, हमसे पूछा गया है ऑर्फिस से निकलने वाली स्पीड का स्क्वायर क्या होगा। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, V2 का स्क्वायर। तो उसके लिए पहले हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं इन दोनों ऑर्फिस पर और कंटेनर के अपर सरफेस पर। तो वो क्या आएगा, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। हमें यहाँ से दे रखा है कि A2 बाई A1 0.1 है, तो हमारे यहाँ से V1 आ जाएगा 0.1V2। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बीकर के सरफेस और ऑर्फिस पे क्या लगाएंगे, बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि हमें वेलोसिटीज के साथ डील करना है। तो वो हम लिखेंगे P0 ऊपर का प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। ये हमने लिख लिया इस सरफेस के लिए कि क्या क्या होगा। यहाँ पे प्रेशर P0 था, ये हाइट रो जी एच है, ये वाली हाइट आ जाएगी हमारी 3 मीटर माइनस 52.5 सेंटीमीटर एंड इट विल कम 2.475 मीटर्स। और फिर हम जब नीचे वाले ऑर्फिस का लिखेंगे तो वहाँ पर प्रेशर कितना है, P0 ही है, प्लस स्पीड कितना है, हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच। अब हमने रेफरेंस ही ये वाला ले लिया तो इसकी हाइट 0, तो रो जी एच वाला पार्ट क्या हो गया हमारा यहाँ से 0। यहाँ से हमारा P0 से P0 कैंसिल, इसके बाद हम यहाँ से सब में रो कॉमन है तो रो रो और रो कैंसिल। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे V2, तो यहाँ से हमारा आ गया GH इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अब हम लिखेंगे, हमें क्या चाहिए V2, तो इसको हमने लिख लिया 2GH प्लस V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर। अब V1 और V2 में हमें एक रिलेशन पता है इक्वेशन नंबर 1 से, जब हम उसको इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2GH इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर, कॉमन लिया हमने 1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू जी कितना है हमारा 10, इंटू हाइट कितनी है हमारी 2.475 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर। V2 का स्क्वायर ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा V2 स्क्वायर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, नहीं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगाया हुआ है।